अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ बहरिया टाउन के प्रेसिडेंट वन के पार्क में। ये बेसिकली फैमिली पार्क है। बहरिया ने जिस तरीके से इसको पार्क को तैयार करवाया, जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों के लिए और वॉकिंग ट्रैक जिस तरीके से बनाया है, इस तरह का पार्क आप शर्तियाँ भी पूरे कराची में कहीं पर आप देख ले, इस तरह वेल मैनेज्ड आपको और फैसिलिटीज़, जैसा कि आपको कैमरामैन दिखा रहा है, ये जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ग्रीनरी और जिस तरह इन्होंने ड्रिप इरीगेशन वगैरह और जिस तरह पार्क को मेंटेन किया बाकायदा, इसके ऊपर यहाँ पे माली वगैरह बहरिया के अपने हायर है और वो फुल फ्लेज दिन रात इनको पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट वन का जो सेंट्रल वाला पार्क है, मस्जिद के अकब के साथ वाला वो पार्क है, जो बहरिया ने बेहतरीन तरीके से बनाया है। तो यही है कि इस वक्त जो मार्केट में जो अजीब गरीब से र्यूमर्स फैला के लोगों को परेशान करके बहरिया के बारे में उल्टे सीधे थंबनेल्स बना के, इनसे हट जाएं यार, आके आप एक दफ़ा बहरिया देख लें, आपको बहरिया बिल्कुल समझ आ जाएगा। और बहरिया में जो इन्वायरमेंट, जो फैसिलिटीज़, बहरिया यहाँ पे रेजिडेंशल जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ मुहैया कर रहा है, आप आके ज़रूर बहरिया के इन पार्क से विज़िट करें, बच्चों को ले आएँ, फैमिलीज़ को आके एक दफ़ा ज़रूर देख रहे हैं। अगर इस वक्त यहाँ पे विलाज और प्लाट्स की बात की जाए तो वो मार्केट रेट पे इंतहाई माकूल प्राइस पे आपको इस वक्त मार्केट में प्लाट्स मिल रहे हैं। और रेजिडेंशियल जो अगर घर रेडी घर कोई ख़रीदना चाह रहा है तो वो भी अच्छे पैसों में बाई कर सकता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहरिया ने अभी तक जो प्रेजेंट जहाँ पे घर भी बने हैं, लोग शिफ्ट भी हो गए हैं, उनको किस तरह की ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ जो हमें चाहिए, मिसाल के तौर पर बच्चों को लेके आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो सेफ़ और साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट उनको चाहिए होता है, वो जैसा कि आपने अभी कैमरामैन दिखा रहा है आपको, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद ही यही है कि आप बहरिया आए, देखें चीज़ें, इंशाल्लाह बहरिया जिस तरीके से डिलीवर कर रहा है, आने वाले सालों में आप फिर बहरिया का जो डेवलपमेंट के काम, जो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड दे रहा है उसको किस तरह बरकरार रख रहा है, जिस किस तरह मेंटेन करेगा। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, मजीद आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।